काल खूबज महत्वना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। मरती माहिती अनुसार गुजरात मा नेशनल लॉ युनिवर्सिटी मा कोरोना नी रीएंट्री थई छे। आपने जणावी दे के नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ना 34 विद्यार्थीओ कोरोना पॉजिटिव आव्या छे। जी हां, आपने परिपक्व जाणती एक गुजरात मा नेशनल लॉ युनिवर्सिटी मा कोरोना नी रीएंट्री थई छे। 33 विद्यार्थीओ ने 7 दिवस माटे हॉस्टेल मा आइसोलेट करवामां आव्या छे। नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ना 34 विद्यार्थीओ कोरोना पॉजिटिव थया छे। 33 विद्यार्थीओ ने 7 दिवस माटे हॉस्टेल मा आइसोलेट करवामां आव्या छे। तमिलनाडु ना एक विद्यार्थी ने हॉस्पिटल मा दाखिल करवामां आव्यो छे, त्यारे 34 माथी 32 विद्यार्थी नी नथी कोई ट्रावेल हिस्ट्री। जी हां, 32 विद्यार्थियों ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, जारे 34 माथी 32 विद्यार्थियों ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, जारे 33 विद्यार्थियों ने 7 दिवस माटे हॉस्टेल मा आइसोलेट करवामां आव्या छे। अचानक एक साथे कोरोना ना वधु केस आवता करशे जीनोम सिक्वन्स। नवो वेरिएंट छे के केम ते बाबते आरोग्य विभाग मां चिंता वधी छे। जे रीते समाचार प्राप्त थई रह्या छे, गुजरात मां नेशनल लॉ युनिवर्सिटी मां कोरोना नी रीएंट्री थई छे, तो 33 विद्यार्थियों ने 7 दिवस माटे हॉस्टेल मां आइसोलेट करवामां आव्या छे। नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ना 34 विद्यार्थियों कोरोना पॉजिटिव आव्या छे, त्यारे विद्यार्थियों ने 7 दिवस माटे हॉस्टेल मां आइसोलेट करवामां आव्या छे। तमिलनाडु ना एक विद्यार्थी ने हॉस्पिटल मा दाखिल करवामां आव्यो छे, तो 34 माथी 32 विद्यार्थी ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री पण जणाती नथी। अचानक एक साथे कोरोना ना वधु केस आवता जीनोम सिक्वन्स करवामां आवशे, तो नवो वेरिएंट छे के केम ते बाबते आरोग्य विभाग मा चिंता वधी छे।